और ये साल के सरकार रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट में अभी नहीं आया, पूरे कर्नाटका का बता रहा हूँ। जैसा बॉयस एक मिनट खाली आशीष सर और डिटेल में बोलेंगे, छोटे दो लाइन बोल के बता रहा हूँ मैं कि लास्ट ईयर भी लॉकडाउन था, बच्चों का पढ़ना नहीं हुआ, नीट में निगेटिव मार्किंग रहती है, नीट के इतिहास में इंडिया के आज तक कभी 730 में 730 को भी नहीं ली क्योंकि निगेटिव मार्किंग रहती है, नहीं आ रहा समझे छोड़ देना रहता, करे तो सीधे कर दूसरे मार्क्स ले आते। तो आफ्ताब अहमद बल्कि गुजरात का बच्चा 720 में 720 लिया, स्कूल में कॉलेज में टीचर ने कुछ नहीं, निगेटिव मार्किंग रहने के बाद आउट ऑफ, जब रेगुलर कॉलेज में क्लास करे तो 700 के ऊपर नहीं गए, लॉकडाउन में 720। और ये सर देखो ताजुब हो रहा है, टेंथ का देख लो, टेंथ में कर्नाटका में 157 बच्चों को 625 में 620 पर लिए, उनके स्कूल में चालू थे क्या? बस मैं आपको बोला पढ़ने वाला कैसा ही पढ़ता, मैं तो कह रहा बच्चा हमारे ट्यूशन पढ़ाते हैं जाकर को पूरे दीवारों को लिख दिए, कहां सोच रहा हूं लिख रहा पूरे घर के दीवारों पर है उसके 96% बच्चे का। तो पढ़ने वाला कैसा ही पढ़ता, उसको टीचर की जरूरत नहीं, स्कूल जरूरत नहीं, बंद है, लॉकडाउन है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं समझ में आ रहे, रीजंस नहीं, मेहनत करने वाला बच्चा कैसा भी रहता है। एक मिसाल के तौर पे बच्चे को बुला रहा हूं सामने आके, शिवशंकर सन्नफ वीरैया, ही गॉट 98% इन एसएससी एग्जामिनेशन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मार्किंग। पेरेंट्स को फोन करते हो, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं मार्क आपके मौजूदा ये बच्चे जो हैं इनके पेरेंट्स थोड़ा फोन लगाए तो मैडम साइड क्लास में फोन कर रहे हैं मार्क, फर्स्ट क्लास में फोन करना, तो कई पेरेंट्स नहीं है देखिए, तो उसके लिए भी हम आपको इंतजाम करा कर रहे हैं। कोई टेंथ के बच्चे लेट आएंगे बोलिए उनका नाम बोलना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के लिए, 40 मिनट में टीचर से कंप्लीट करिएगा, जैद का मास्क